Hey, what's up guys, welcome back to another video. In this video, हम लोग बात करेंगे कैसे फोटोशॉप में कुछ इजी स्टेप फॉलो करके कुछ ऐसे टाइप का कलर ग्रेडिंग गेन कर सकते हैं. सो लेट्स रोल द इंट्रो. ओके, फर्स्ट तो लेयर को डुप्लीकेट करेंगे. तो यहाँ पे के राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर एंड हिट ओके. नाउ अभी डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर के अंदर से कैमरा रॉ फिल्टर को ऑन करेंगे. ये रहा कैमरा रॉ फिल्टर. ओके, नाउ फर्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे. टेम्परेचर को थोड़ा ब्लू टाइप का रखेंगे, ब्लूइश टाइप का. ओके, ठीक है. देन टिंट को थोड़ा सा अप करेंगे, प्लस 3, ठीक है. और उसके बाद एक्सपोजर जो है इसको थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा डार्क टाइप का रखेंगे. और कॉन्टेस्ट को थोड़ा ज़्यादा करेंगे. देन हाईलाइटेड को थोड़ा कम करेंगे. उसके बाद वाइटनेस जो है इसको भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि पिक्चर में बहुत वाइटनेस है एक. ओके, ठीक है. देन ब्लैक को थोड़ा सा कम करेंगे. उसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा अप करेंगे. और देन लास्ट वाइब्रेंस को थोड़ा अप करेंगे, ठीक है. अभी कैमरा कैलिब्रेशन के अंदर आएंगे. यहाँ पे क्लिक करके लास्ट जो है ब्लू प्राइमरी इसको पूरा -100 करेंगे. देन उसके बाद ग्रीन प्राइमरी को +100 करेंगे. और देन लास्ट रेड प्राइमरी. तो आपको ऐसा टाइप का लुक मिल गया. अभी सैचुरेशन जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. पहले रेड का थोड़ा एडजस्ट कर लेते, ठीक है. उसके बाद देन ग्रीन का यहाँ पे, ठीक है. और एट लास्ट ब्लू को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है. अभी यही जैसे यहाँ पे आके थोड़ा कलर को चेंज करेंगे. थोड़ा यहाँ पे जैसे एक कलर को ऑरेंज कलर जो है इसको थोड़ा रेड टाइप का करूँगा. तो यहाँ इसके लिए रेड के तरफ थोड़ा सा माइनस, ठीक है. ओके, उसके बाद ऑरेंज को थोड़ा सा कम करेंगे. देन अभी ठीक है यहाँ पे. और देन अभी ब्लू कलर जो है और एक्वा जो है दोनों कलर को थोड़ा चेंज करेंगे. उसके बाद सैचुरेशन के अंदर आके यहाँ पे ब्लू को थोड़ा अप करेंगे और एक्वास को भी थोड़ा अप करेंगे कलर वैल्यू को. और ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा ठीक रहेगा. ब्लू को भी थोड़ा सा डाउन करते, ठीक है. ओके, उसके बाद ऑरेंज को जो है उसको थोड़ा अप करेंगे, ठीक है. अभी ल्यूमिनस में आके यहाँ पे ऑरेंज को थोड़ा सा डाउन करेंगे, एकदम थोड़ा सा -7, ठीक है. उसके बाद एक्वा ब्लू को भी थोड़ा सा डाउन करेंगे और एक्वा को भी थोड़ा सा डाउन, ठीक है. अभी यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे हाईलाइटेड जो पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है. अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, हिट ओके कर देंगे. ना आपको ऐसा टाइप का लुक मिलेगा ऑलरेडी. ओके, नो अभी एक सिलेक्टिव कलर लेंगे यहाँ से इरा. और यहाँ से इसको चेंज करके ब्लैक को चेंज करेंगे. और ब्लैक कलर को थोड़ा ब्लूइश टाइप का रखेंगे. तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे मेजेंडा को, देन ठीक है. और उसके बाद येलो को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ये शायद ठीक रहेगा. ओके, उसके बाद जो उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे. देन अभी एक कार्व्स लेंगे और थोड़ा सा फेडेड टाइप का लुक एडजस्ट करेंगे. इसको थोड़ा डाउन अप करेंगे तो ऐसा टाइप का आपको फेडेड टाइप का लुक मिल जाएगा. यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा डाउन की तरफ करेंगे, ये शायद ठीक रहेगा. ओके, ठीक है. अभी इसको क्लोज कर देंगे तो आपको ऐसा टाइप का आपको ऑलरेडी लुक मिल गया. अभी इसको मर्ज कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए, ये रहा बिफोर एंड देन नाउ अप. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई यूज़ के आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला. इफ़ यू डिड देन हिट द लाइक बटन एंड गिव मी सम लव. एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. मैं ऐसा टाइप का वीडियो अपलोड करते रहूँगा आप लोगों के लिए. एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.